राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, उसके बाद अब जमकर विरोध देखा जा रहा है। जिस तरह से बगावत के तेवर है वह तेज हो चुके हैं, अब लोग हैं जो विरोध पर निकल चुके हैं। उदयपुर शहर है जो बीजेपी का गढ़ रही है, वहां अब जो पारस सिंह भी है वह बगावत पर उतर चुके हैं, विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, मैं अभी उदयपुर में इस टाउन हॉल से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, महिलाओं से लगाकर पुरुष लगाकर टाउन हॉल से जगदीश चौक है वहां तक जाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि फिर से टिकट है उन्हें दिया जाए। किस तरह का आप विरोध कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि पारस जी सिंह भी इस पद के लिए है, उन्हें ही इस पद के लिए खड़ा होना। क्या कर रहे हैं अभी आप, क्या करने वाले हैं? हम ताराचंद जैन का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं? जिस आदमी ने पार्टी के लिए इतने साल अपने जिंदगी के पार्टी के लिए दिए, उसने मतलब टिकट नहीं दिया, लास्ट में जाके उन्होंने अपनी चेंज कर दी, ये तो गलत है ना। उनके साथ में होना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए वापस। हम तो ये सोचते हैं पार्टी को एक बार वापस सोचना चाहिए। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप? पारस जी विधायक बनने के उनको वो काबिल है, इसके उनको मिलना चाहिए टिकट। पारस जी को विधायक का टिकट मिला, वो इसके पात्र है उदयपुर में। महिला है जो जमकर विरोध करती थी, टिकट है उनको लेकर यहाँ विरोध दिखाई दे रहा है। जो लोग है वहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं जमकर विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, क्या है इस मैसेज दे रहे हैं? ये विरोध नहीं है, ये लोगों की भावना है, ये लोगों की भावना है। कार्यकर्ता का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर इसके माध्यम से दे रहे हैं, क्या करने वाले हैं आगे? करेंगे जो भी देख कर मिले। हम आपके साथ एक देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर है और एक विरोध कर रहे हैं, जो जैन समाज से लगाकर, व्यापारी से लगाकर और जो कार्यकर्ता हैं वह यहाँ विरोध पर उतर चुके हैं और पारस सिंह भी उनके समर्थन में यहाँ लोग पहुँचे और एक यहाँ से टाउन हॉल से जगदीश चौक है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पर अपना विरोध जताएंगे और सरकार को जताएंगे। अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो हो सकता है उन्हें भागी होना पड़े या फिर और दूसरा कदम उठाना पड़े। TV9 के लिए राजेश डांगी।